मेरा सर सवाल ये है, मेरे पास टीटागढ़ रेलवे का शेयर है 2730 का, 537 रुपए का एवरेज है। अब काफी करेक्शन तो हो गया, अब उसमें अभी क्या करूं सर, होल्ड करूं क्या, प्रॉफिट बुक करके निकलूं क्या है? और एक चीज है सर, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे पास खजलन का 5000 शेयर है सर 22 रुपए के भाव से, उसका भी क्या करूं सर? मैं सोच ही रहा था कि आज सुजलॉन पे कोई सवाल अभी तक आया नहीं। पहले तो इसको बताइए, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जी गिरने से चिंता बढ़ गई है। नीरज जी देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप रेल स्टॉक्स की ओवरऑल बात करें तो रेल स्टॉक्स में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है, और ये करेक्शन हमने देखा जान के बाद ही आया है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लगता है कि बजट के सामने इसमें प्रॉफिट बुकिंग ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास खत्म हो रही है। ये क्या लेवल है, ये इसका 200 डीएमआई है जो करीबन 800 के आसपास बनता है, 800-810। मुझे लगता है जब तक 800-810 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक उसमें अभी दिक्कत वाले, फ्रॉम दिस लेवल दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यह लेवल टूटेगा तो फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एक बड़ी सेलिंग हो चुकी है और इस लेवल से आपको फिर से एक मूव मिलना चाहिए करीबन 950 से 1000 तक। आई थिंक ही कैन वेट 800 के नीचे स्टॉप लॉस, 800 के नीचे स्टॉप लॉस वेट करिए। सुजलॉन भी ले रखा है इन्होंने, कितने में लिया था सुजलॉन भाई? 22 रुपए पे सुजलॉन के 5000 शेयर लिया राजेश जी। फिर भी अच्छा मुनाफा था, 22 का 50 मिल गया था उनको, अभी भी है 37 रुपए, अभी भी अच्छा। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है उनको एक फॉर द टाइमिंग मैं इतना कहूंगा 36 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे, और सामने 40-42 के आसपास आपको एक बार के लिए प्रॉफिट मिले तो एक बार के लिए बुक पर है। ऐसा नहीं है ये काउंटर, वही जो मैंने सेम कहा, ये ट्रेडिंग वाले काउंटर है। अगर आप इसमें आप वेट करते हो ठीक है, वो तो मोमेंटम था आपको मिल गया, लेकिन निकलना भी जरूरी होता है। अगर निकल नहीं पाते तो फिर ऐसा वेट करना पड़ता है। तो फिलहाल तो आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 40-42 पे एग्जिट कर ले, 40-42 पे एक बार निकल ले, अच्छा पैसा बन तो गया आपका, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतुल जयपुर से जुड़ रहे हैं, अतुल जी।